हेलो गाइस, मैं हूं सुमना सेनापति। सबको स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल टेक्नो ड्राइंग यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए। कैसा लगा वो कमेंट में जाके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। WBSCTC की तरफ से आज शाम को एक नहीं दो और न्यू नोटिस आया है, जिसमें से एक है नोटिस और दूसरा है हमारा रिवाइज्ड एक रूटीन फिर से उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आज हम देखेंगे कि इस नोटिस में क्या क्या बताया है और रूटीन में फिर से रिवाइज करके क्या क्या चेंजेस किया है। तो पहले चलते हैं सीधा नोटिस पे। तो ये था हमारा ये नोटिस जिसमें पहले सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 23 अगस्त 2021 इस डेट में डिप्लोमा का 6th सेमिस्टर का जो स्टूडेंट्स है उनका एक्सटर्नल थियोरेटिकल एग्जाम होगा, जो कि है सेमिस्टर एग्जाम स्टार्ट होगा 23 तारीख से। अब पूरा नोटिस और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ये जो पहला पॉइंट है ये हम स्टूडेंट के लिए नहीं है। और दूसरा जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो एग्जाम होगा वो वीडियो मोड पे ही होगा, ये गूगल मीट पे हर एक स्टूडेंट को ज्वाइन होना पड़ेगा। इस पॉइंट पे बताया है कि हर एक स्टूडेंट को अपना वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, स्विच ऑन देयर कैमरा ऑफ द डिवाइस बाय व्हिच दे विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सो इसका मतलब अगर आप अपना वीडियो स्विच ऑन नहीं करते तो आपको एब्सेंट किया जाएगा, साफ साफ इधर लिखा हुआ है। ये भी पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। इसमें बताया कि कॉलेज का दो मतलब एटलीस्ट दो मेंबर रहेंगे स्टूडेंट को गार्ड करने के लिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से ये होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी स्टूडेंट के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया कि आप लोग जो ऑनलाइन वीडियो मोड ऑन करके एग्जाम दोगे वो सर लोग जो रहेंगे गार्ड जो देंगे वो लोग आपका रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा पूरा टाइम आप जब एग्जाम दोगे वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड रहेगा उनके उनके पास। ये भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, छोड़ते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट में बताया है कि स्टूडेंट को विद इन टाइम अपना जो आंसर स्क्रिप्ट होगा उसका स्कैन कॉपी सबमिट करना होगा, जो भी आपके कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया होगा, मतलब गूगल फॉर्म हो सकता है या फिर कुछ भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वहाँ पे आपको अपलोड करना है। आई पॉइंट पे ये बताया कि स्टूडेंट को एक एडवाइस दिया है जो कि बता रहा है कि आप जिस एरिया में कंफर्टेबल है और जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होगा वो ठीक ठाक होगा उस एरिया में जाके आपको एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं। जे पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये उन स्टूडेंट के लिए है जिसका TWF ऑन है। इसमें बताया कि उन स्टूडेंट को कुछ पैसा मिलेगा जो कि है इंटरनेट का, तो वो डायरेक्टली सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये भी सब स्टूडेंट के लिए नहीं है, जिसका TFW ऑन है उसको ही मिलेगा सिर्फ। अब आते हैं मेन ट्विस्ट पे। मतलब पहले जो जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया ये सब हम लोग पहले भी जो सेमिस्टर बीत चुका है इन सेमिस्टर में देख चुके हैं, लेकिन ये जो अब आ रहा है ये थोड़ा नया है। इसमें बता रहे हैं कि अब ये जो एग्जाम होगा ये होगा फुल पेपर के लिए 1.5 आवर और जो हाफ पेपर है उसके लिए होगा सिर्फ 1 आवर, और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो सब्जेक्ट है इसके लिए टोटल 3 आवर है, लेकिन एक दिन में डेढ़ घंटा ही आपको एग्जाम देना है। मतलब 2 दिन में कुल मिलाकर 3 घंटा होगा। तो सीधे भाषे में अगर बताऊं तो इस सेमिस्टर हो गया है हमारा 1.5 घंटे का और हाफ पेपर के लिए 1 घंटे का, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे बता रहा है कि ए गूगल ड्राइव लिंक फ्रॉम डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच डे विल बी ओके। सो ये है हमारा इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि है इंस्टीट्यूट को एक लिंक मिलेगा और इस लिंक में हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इसमें वही बताया गया है। और ये लिंक हमारा इंस्टीट्यूट को मिल जाएगा 20 मिनट पहले और हर दिन सेम ही लिंक रहेगा, ये इंस्टीट्यूट के लिए है स्टूडेंट के लिए नहीं है। और स्टूडेंट को वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 15 मिनट पहले, एग्जाम का 15 मिनट पहले वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो कि रहेगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड। 6th पॉइंट पे बताया गया है कि स्टूडेंट को अपने
हाथ से लिखना पड़ेगा जो भी आंसर लिखेंगे, और वो भी A4 साइज का जो पेजेस होते हैं उन उस पर लिखना पड़ेगा। और हर एक आंसर स्क्रिप्ट में एक फ्रंट पेज जरूरी है, और फ्रंट पेज में ये सारे चीज़ें होना जरूरी है जो कि है कोर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इस पॉइंट पे बताया गया कि एक फ्रंट पेज का कॉपी हमारे इस पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है, हम एंड में दिखाएंगे वो कॉपी, और आप लोगों को उसका ही प्रिंट आउट निकाल के उसमें ये सारे डाटा फिलअप करना है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह का है वो फ्रंट पेज, तो इसका प्रिंट आउट आप लोगों को लेना है और इसमें सारा डाटा फिलअप करना है, ठीक है। फ्रंट पेज थोड़ा गौर से देख लीजिए, ये सारे डाटा है, कोर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड फुल सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, जो कि मैंने पहले ही एक बार बता दिया। अब चलते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। सो ये भी पॉइंट हम लोगों को पहले से पता था, जबकि हम लोग पहले भी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तब ये बताया था कि पीडीएफ का नाम कैसे दे और रीनेम कैसे करें, या फिर कौन सा नेम पे रीनेम करें। वही फिर से एक बार दिखाया गया कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उसके बाद अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, और वो पीडीएफ का कॉपी आपको आपका इंस्टीट्यूट को सेंड करना है, और इंस्टीट्यूट आपको जो भी लिंक देगा सच एज व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो आप अगर इंस्टीट्यूट अलाउ करता है तो, या फिर ईमेल पे, या फिर गूगल सीट जो भी रहेगा, या फिर गूगल फॉर्म। और यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि स्कैन सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द फ्रंट पेज और आंसर स्क्रिप्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसका मतलब है अगर आप जो भी पीडीएफ सेंड कर रहे हैं उसके हर एक पेज में आपको सिग्नेचर तो करना ही है और फ्रंट पेज में भी करना है, तो ये सारे सिग्नेचर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहाँ से स्कैन करके आप बैठा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब डुप्लीकेसी का कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं चलेगा। और इस पॉइंट पे यही इंस्ट्रक्शन है कि अगर ड्राइंग सब्जेक्ट है तो उसका पीडीएफ आप कैसे बनाएं, तो ये बोल रहे हैं कि इंडिविजुअली एक ड्राइंग करना है, मतलब एक जो भी आप स्कैन करोगे ई स्कैन पे आपका एक एक ड्राइंग होना चाहिए, इस तरह से आपको पीडीएफ फाइल करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक सीट में 4-5 ड्राइंग कर लिए और उसके बाद एक ही फोटो क्लिक किए 4-5 का, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक फोटो का एक एक स्कैन में लेना है और हर एक स्कैन के नीचे आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, और इस सब्जेक्ट का पीडीएफ का नाम थोड़ा अलग रहेगा जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद अंडरस्कोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड अंडरस्कोर ब्रांच। इस पॉइंट पे बताया गया कि जो हमारा आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है तो इसका जो पीडीएफ होगा ये 2 दिन का 2 पीडीएफ जाएगा, ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए 2 दिन का 2 पीडीएफ जाएगा। इस पॉइंट पे बताया गया कि हम जब भी कोई आंसर स्क्रिप्ट सबमिट करें तो उसका कॉन्फर्मेशन मैसेज इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि हर एक स्टूडेंट को 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि स्कैन करने के लिए और आपका जो भी आंसर स्क्रिप्ट होगा वो सेंड करने के लिए। और यहाँ पे फिर से एक बार वार्निंग भी दे चुका है कि स्टूडेंट शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट इट एंड मस्ट मेक नेसेसरी अरेंजमेंट प्रियर टू अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑन ईच डे। इस पॉइंट पे बताया गया है कि आपका जो भी आंसर स्क्रिप्ट होगा एग्जाम के बाद ऐसा नहीं कि आप फेंक देंगे, ऐसा नहीं कि आपके पास रखना है तब तक जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये आंसर गलत लिख चुका हूँ तो फिर मैं एक काम करता हूँ इसका सही आंसर लिख के उसमें जोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, ये भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। बाकी जितना है ये स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के लिए है, उनका इंस्ट्रक्शन है, तो ये सब स्टूडेंट को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारा इंस्टीट्यूट के लिए है। बस इतना ही था इस नोटिस पे। तो अब चलते हैं हमारा जो नया रिवाइज्ड रूटीन आया है उसकी तरफ। रूटीन में चेंजेस जरूर आया है, जो कि एक टाइम को लेकर चेंजेस तो ऑब्वियसली आया होगा क्योंकि पहले नोटिस पे था 3 आवर का और इस नोटिस पे आ चुका है 1.5 घंटे का, ठीक है, तो टाइम का फर्क तो आ ही चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा टाइम दिखा रहे 2 to 3:30। और एक चेंजेस आया है जो कि है कुछ कुछ ब्रांचेस का एग्जाम था 19 तारीख को, मतलब पहले जो रूटीन निकला था
उसमें बताया गया था कि 19 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन उस दिन एक हॉलीडे के वजह से उस दिन का एग्जाम कैंसिल हो गया है और सबका एग्जाम स्टार्ट होगा 23 से लेकर। बस रूटीन में सिर्फ यही चेंजेस आया है और कुछ नहीं है। सो स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।